नोएडा में फीस बढ़ाए जाने के विरोध में अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं। मामला नोएडा के सेक्टर 16 के एपीजे स्कूल का है, जहां अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि इस सत्र में स्कूल ने फैसिलिटी के नाम पर 27% फीस बढ़ा दी है, जिसे लेकर सारे अभिभावक सड़कों पर हैं। बता दें कि सरकार ने निजी मनमानी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस रेगुलेटरी बिल पास किया था, जिसके बाद भी स्कूलों की मनमानी रुक नहीं रही है। ट्यूशन फीस जो है ये अचानक से बढ़ा दिया गया है, एंड इसमें भी अगर रिस्ट्रिक्शन था तो इन्होंने किया क्या है कि नए हेड्स खोल दिए हैं जो कि पहले नहीं थे। आर्ट फी, लैब फी, यहाँ तक कि फैन इलेक्ट्रिसिटी फी, फिर स्मार्ट क्लास फी, ये सारा कुछ इन्होंने लगा दिया है, विच इज रियली नॉट कॉल्ड फॉर, इट इज इलीगल। एंड जस्ट बिकॉज ये ट्यूशन फी नहीं बढ़ा पाए तो इन्होंने नया हेड्स डाल दिया फी बढ़ाने के लिए। एंड इसके रिस्पेक्ट में देर आर नो इंक्रीज इन फैसिलिटीज फॉर द चाइल्ड, बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, कोई एसी नहीं है, बस में एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि ये सारा कुछ प्रॉमिस किया गया था, बल्कि ये शो पूरा का पूरा फीस की लूट है। हर बार हम लोग मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फी हाइक का परसेंटेज कम रखें। एज पर यूपी ऑर्डिनेंस सारी फी रेगुलेशंस को रेगुलेट करें। सबसे बड़ी बात है एपीजे का ग्रुप में जितने बाकी स्कूल्स हैं, दिल्ली के स्कूल्स हैं, उनकी फीस नोएडा से बहुत बहुत कम है। नीति जी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ना तिवारी जी मिलने को तैयार है, ना भरलिया जी मिलने को तैयार है। हम सारे पेरेंट्स क्या वैल्यू रखते हैं स्कूल में, हम क्या पागल हैं यहाँ पे, हम क्या फीस नहीं पे कर रहे, या हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, सिर्फ सुप्रीम पावर यही लोग हैं, किस चीज के लिए हम पे कर रहे हैं। हमारे बच्चों के कमरों में जितने भी फैंस है वो वर्किंग नहीं है, बच्चे वहाँ पे बेहोश हो रहे हैं, वोमिटिंग कर रहे हैं, फॉर व्हाट रीजंस, किस लिए बैठे हैं अपने एसी रूम्स में, सिर्फ हमें परेशान करने के लिए। फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है एक साल के अंदर। मेरा बच्चा नर्सरी में था, अब केजी में है। पिछले साल मैं 26,000 फीस भर रही थी, आज 33,200 रुपए भर रही हूँ केजी में, और आगे जाके तो पता नहीं, जब तक वो बड़ा होगा मुझे शायद 70,000 तीन महीने की फीस भरनी पड़ेगी। दो बच्चों के साथ मैं 1,00,000 रुपए से ऊपर अगर फीस ही भरती रहूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस और एसी भी नहीं है स्कूल में, ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि मैं कोई 5-स्टार होटल में उसे पढ़ा रही हूँ। पढ़ाई मुझे नहीं पता कि कितनी हो रही है यहाँ पे। अगर इस तरह से प्रेशर पेरेंट्स पे रहेगा, हम उन्हें क्या रिकैप करा पाएंगे? जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो बच्चों को रिकैप भी तो कराना ही है ना।